किसी की मदद करना चाहते हैं परंतु अपने सहाय हैं। कोई भूखे हैं उनको खाना खिलाना चाहते हैं, कोई प्यासे हैं उनको पानी पिलाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास उस समय कुछ भी ना हो। अगर आपने दृढ़ संकल्प के साथ में उस व्यक्ति को मदद करने की चाहा है तो उस तरह से नहीं परंतु किसी और प्रकार से उसकी मदद हो सकती है। आइए वचन में बढ़ते हैं, देखेंगे किस प्रकार से। यदि किसी को दान देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, भूखे को खाना खिलाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, उस समय अगर कोई आपके सामने आ जाए आपसे कुछ मांगे, उस वक्त आपने तरस भरी और दया भरी नजर से उसकी ओर देखा है परंतु बेबस हाल में है क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर उसकी मदद ना कर पाए मन में एक दोषारोह होती है, वही दोष के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कभी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर ऐसे मार्गों को खोलते हैं जो आप नहीं जानते किस प्रकार से आपके पास मदद पहुंच सकती है, क्योंकि परमेश्वर न केवल उस व्यक्ति की दुर्दशा को देख रहे हैं परंतु आपकी बेबसी, और इस बेबसी में उस व्यक्ति की मदद करने की आपकी जो मन है उसकी ओर वे देखते हैं और परमेश्वर अपने ही प्रबंध उसके पास लेकर आते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में वो प्रवेश करते हैं। यीशु के चेलों में से 2 चेलों ने ऐसे किसी हालात का सामना किया था और उससे उन्होंने क्या किया है, और इस पाठ से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि ऐसी हालातों में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 अध्याय 1 वचन से। पत्रस और यूहन्ना 3 पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पत्रस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पत्रस ने यूहन्ना के साथ उसके ध्यान से देखकर कहा, सुबह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो पत्रस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। जिस चीज की तू मांग रखता है वास्तव में मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास जो है उसे मैं तुझे देता हूँ, आज उसे तुझे लेना पड़ेगा। और वो ये है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। बड़ी साधारण और सरल रीति से पत्रस ने कह दिया है, चांदी सोना मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से उठ, खड़े हो जा और चल फिर। इसके बारे में हमने देखा है ये अपने आप नहीं आया था, इसे कुछ लोगों ने उठाकर लाया है, मंदिर के पास छोड़ दिया। कारण क्या था? ताकि ये भीख मांगे, उनसे भीख मांगे जो मंदिर में जाते थे। वैसे देखा जाए मंदिर एक ऐसी जगह है जिसमें परमेश्वर रहते हैं और परमेश्वर सृजनहार हैं, परमेश्वर चंगा करने वाले हैं। वो अपने भक्तों की मुरादों को पूरा करते हैं, उनके अनुरोधों को, उनकी अभिलाषों को पूरी करते हैं, उनकी आवश्यकताएं उन तक पहुंचाते हैं, उनकी कमी कटी को दूर करते हैं। ऐसा परमेश्वर जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर के बाहर बैठकर ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं। इस व्यक्ति ने परमेश्वर की ओर कभी ऐसे नजरिए से नहीं देखा है कि प्रभु मुझे चंगा कर सकता है, प्रभु मेरी मदद कर सकता है। क्योंकि इंसान जब अपनी कमजोरियों को, अपनी तकलीफ और मुसीबतों की ओर देखता है और अपनी बेबसी की ओर देखता है, अपनी बेबसी में, अपनी निस्सहायता में, और जिसे स्वीकार कर लेता है, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, ये मुझसे अलग नहीं हो सकती है, ऐसे समय परमेश्वर क्यों नहीं देख सकता है? उस परमेश्वर को इतनी महानता से, उतने सम्मान से, और परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य कभी देख नहीं पाता है। यही कारण था जो व्यक्ति लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, जिसके पैर नहीं थे, उसने कभी परमेश्वर से मांगा नहीं है कि परमेश्वर मुझे पैर दे दे ताकि मैं खड़े होकर चल सकूं। हमने देखा था यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हुए अंधा बर्तिमाई में कहता है, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह रुकते हैं और उससे पूछते हैं, तो क्या चाहता कि मैं तरले करूँ? उसने कहा, बस इतना कि मैं अपनी आंखों से देख पाऊँ। यीशु मसीह ने तुरंत उसको चंगा कर दिया, तेरे विश्वास के आधार पर ऐसा ही हो, और तुरंत देखने लगा है। वो अंधा व्यक्ति था, कुछ जन्म से अंधे व्यक्ति थे, कुछ लंगड़े व्यक्ति थे, कुछ मरे हुए लोग थे। 38 साल से लकवा पीड़ित एक व्यक्ति, 12 वर्षों से लहू बहने की समस्या से पीड़ित और परेशान एक स्त्री, 18 वर्षों से झुक झुक कर चलने वाली एक स्त्री, ऐसे कई सारे लोग थे जिनकी समस्या की ओर देखते हैं वो उनका जीवन का हिस्सा बन जाता है। उसमें कोई उम्मीद नहीं होती है कि उसमें से बच पाएंगे, वो उससे दूर हो सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था, विश्वास के से जाकर उनसे मांगा है, उनको छुआ है, उनको स्पर्श किया है, परमेश्वर की एक पुकार से, एक आवाज से, एक नज़र से, एक स्पर्श से उनके भीतर चंगाई आ चुकी हैं। जो अंग उनके काम नहीं करते थे वे सारे अंग काम करने लगे हैं। आज इस मंदिर में एक द्वार है जिसका नाम सुंदर कहलाता है। इस मंदिर के द्वार के पास एक व्यक्ति को लाकर छोड़ दिया गया है जो लंगड़ा था, चल नहीं सकता था, मंदिर के भीतर छाने वालों से भीख मांगा करता था। उसी समय पत्रस यूहन्ना से जाते हैं। इस व्यक्ति ने उनसे भीख मांगा था,
पत्रस यूहन्ना के साथ उस व्यक्ति की ओर ध्यान से देखकर कहते हैं, हमारी ओर देख। सो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर जब ताकने लगा, पत्रस उस व्यक्ति से कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वही मैं तुझे देता हूँ। यीशु नाज़री के नाम से चल फिर। सातवें वचन की ओर चलते हैं, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया है कि वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और इस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हो गए हैं। जब पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुआ था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इसराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार से देख रहे हो कि मानो हम इन्हें अपनी सामर्थ यह भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। इब्राहिम और इसाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हथियारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे में से जिलाया, और इस बात के हम सब गवाह हैं। और उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जिसके नाम पर हैं, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थी हैं, और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यत वक्तों के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इसी रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौटाओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से ही ठहराया गया है। अवश्य कि वो उस समय तक स्वर्ग में रहें जब तक कि वह सब बातों को सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद वक्ताओं के मुख से कही है जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्य वक्ता की ना सुने लोगों में से नाश किया जाएगा, और शमिल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्य वक्ताओं ने बातें की हैं उन सब ने इन दिनों के संदेश दिया है। तुम भविष्य वक्ताओं की संतान और उसका वाचा के भी भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांध दी जब उसने इब्राहिम से कहा कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई में से फेर कर आशीष दे। चौथा अध्याय पहला वचन। जब लोगों से बातें कर रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार औसत की उन पर चढ़ाए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु को उदाहरण दे देकर मरे में से जी उठने का प्रचार करते थे, और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवाले में रख दिया क्योंकि संध्या हो गई थी। इस वचन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज के ध्यान को इस प्रकार से समाप्त करेंगे। एक व्यक्ति जो अपने आप चल नहीं सकता था उसे उठाकर कुछ लोगों से मदद करते हुए मंदिर तक लाते हैं, वहां छोड़कर जाते हैं, फिर शाम होते ही अपने घर लेकर जाते हैं। मंदिर वो जगह है जैसे आरंभ में कहा गया था, जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां परमेश्वर की आराधना होती है, जब परमेश्वर से मांग रखते हैं। मंदिर के भीतर जाने वाले परमेश्वर से मांगने के लिए जाते हैं, मंदिर के भीतर जाने वालों से भीख मांगने के लिए बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं। इनको यहाँ तक सीमित कर दिया गया है, ये चाहकर भी अंदर नहीं जा सकते हैं। इनकी अंगहीनता ने, इनके विकलांगपन ने इन्हें मजबूर कर दिया कि बाहर ही बैठे और लोगों की दया पर जिए। जिसके अंग नहीं होते हैं वो लोगों की दया पर रहते हैं, उनके अनुग्रह पर, उनकी दया पर जीते हैं। वैसे यहाँ पर मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। मंदिर के भीतर लोग आराधना कर रहे थे। दान देने वालों को मानना होता है, कुछ लोग तरस के साथ दान देते हैं तो कुछ लोग मानते हैं, अगर मैं किसी को दान देता हूँ तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा और मेरी भी मदद करेगा। कोई निस्वार्थ मन से दया और तरस दिखाकर दान देते हैं तो कुछ लोग हैं जो स्वार्थ के मन से परमेश्वर की ओर से कुछ चाहने की इच्छा से या फिर लोगों को दिखाने के लिए भी दान देते हैं। जो कुछ भी क्यों ना हो, भीतर आराधना करने वाले व्यक्ति बाहर आराधना ना करने वाले व्यक्तियों को दान दिया करते हैं।
भीतर जाने वाला व्यक्ति पूरे अंगों के साथ होता है, बाहर जो बैठा है उसके अंग नहीं है। भीतर जाने वाले व्यक्ति के पास कुछ आधार है, कुछ काम है, कुछ आमदनी है। बाहर बैठा हुआ व्यक्ति की आमदनी और काम वही है। भीतर जाने वाला प्रयास करके कमाता है, बाहर बैठकर जिसने प्रयास करके कमाया है उसके प्रयास में से कुछ कमाने की कोशिश करता है। मंदिर के भीतर जाने वाला अपने आप को भाग्यवान मानता है, मंदिर के बाहर बैठा हुआ बेबसी हाल में अपने आप को भाग्यहीन मानता है। मंदिर के भीतर जाकर आराधना करने वाला अपनी कमाई के विषय में परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया है जिसकी बदौलत आज मेरे पास कुछ है। बाहर बैठकर भीख मांगने वाला जिसने उस पर दया दिखाया है, उस पर तरस दिखाया है, उसको धन्यवाद करता है। लेकिन वहां पर बैठने वालों में से एक व्यक्ति था जो तीसरे पहर के समय अर्थात दोपहर के वक्त मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। जब पतरस और यूहन्ना उसके सामने से मंदिर में जा रहे थे उनकी ओर देखकर उसने कुछ मांगा था। इन्होंने कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है परंतु यीशु नाज़री के नाम से उठ खड़ा हो जा। पतरस और यूहन्ना को इस व्यक्ति को मदद तो करने की मन थी लेकिन इनके पास सोना और चांदी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें खड़ा करते हैं। जैसे उसको खड़ा कर दिया था उसके बाद वो व्यक्ति मंदिर के बाहर नहीं बैठा, इनके साथ मंदिर के भीतर गया, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, परमेश्वर की धन्यवाद कर रहा था। उसके साथ जितने लोग बैठते थे उन्होंने देखा है। उसके बाद जो मंदिर के भीतर जो हर रोज आया करते थे उन सब ने देखा है। इस व्यक्ति को सब लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं क्योंकि ये व्यक्ति हर रोज वहीं पर बैठा रहता था और जब भी लोग मंदिर में जाते थे सब लोग इसे देख कर जाते थे, कुछ लोग दान देकर जाते थे। लेकिन इन सब ने जब देखा कि ये व्यक्ति प्रभु की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है और जब अचंभा कर रहे थे, पतरस ने उनसे कहा, हमारी ओर ऐसे क्यों ताक रहे हो जैसे कि हमने कुछ किया है, हमारी सामर्थ से इसको हमने चलाया है, हमारी सामर्थ से हमने इसको खड़ा किया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम सब लोग यीशु को तो जानते हो, यीशु को तुमने पकड़वा दिया था, पिलातुस छोड़ना चाहता था लेकिन तुम सबने इनकार कर दिया था, यीशु के बदले में तुमने बरअब्बा को मांग लिया था, यीशु को तुम सलीब तक लेकर गए थे, उन्हें मार दिए थे परंतु परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिलाया है, आज उन्हें सबके ऊपर महान कर दिया है और जिसके हम गवाह हैं कि वह पिता परमेश्वर के दाहिने वह स्वर्ग में बैठा हुआ है, सर्वशक्तिमान स्थान में जाकर पहुंच गए हैं। आज वही यीशु मसीह के नाम से हमने इस व्यक्ति को चंगा किया है। यीशु मुर्दों में नहीं है, यीशु जी उठे हैं, यीशु के नाम से चंगाए होते हैं। इसके लिए तुम अचंभित ना करना, तुम भी मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रायश्चित के साथ आओ और यीशु मसीह की प्रतिज्ञा, उद्धार की प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर भी उतर आएगी, तुम भी उद्धार को प्राप्त करोगे। जिस तरह से मूसा से लेकर हर एक भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी यीशु के बारे में की थी, वही यीशु हमारे बीच में आए थे लेकिन तुमने अपनी इच्छा के अनुसार उसे पकड़वा दिया, उसे मार दिया है। आसमान फिराओगे, पश्चाताप करोगे, स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे। जब पतरस और यूहन्ना ये बातें कह रहे थे उस समय याजक और मंदिर के सरदार औसत के वहां पर आए और पतरस और यूहन्ना पर चढ़ गए क्योंकि वे बहुत क्रोधित हो गए थे, इसलिए कि पतरस और यूहन्ना उन्हें सिखाते थे और यीशु मसीह को उदाहरण दे देकर यीशु मरे से जी उठा है ऐसा प्रचार कर रहे थे। इसलिए पतरस और यूहन्ना को पकड़कर दूसरे दिन तक उन्होंने हवालात में बंद कर दिया था। कल के अध्ययन में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हैं हमारे प्रेश्रोताओं, परमेश्वर के भक्त गणों, पतरस यूहन्ना की तरह हो सकता है आपका भी अच्छा मन हो, आप भी किसी की भला करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप जाते हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई ऐसे कुछ चीज़ें आपको देने के लिए मदद करेंगे, आपको सिखाएंगे, दिखाएंगे जो उनका जीवन बना सकती हैं। हो सकता है एक रुपया या दो रुपया देने से उस व्यक्ति का एक समय में कुछ मिल जाए, लेकिन वो व्यक्ति जब अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया है आंसू से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो जाकर अपनी कमाई कर सकता है और इसके साथ साथ उसके पास जो बैठा करते थे उनकी विश्वास की गवाही दे सकता है और साथ ही साथ उनकी भी मदद कर सकता है। मंदिर में जाकर आराधना करने से पहले इनको दान देकर जा सकता है। वचन को सुन रहे आप में से कौन किस हालात में है परमेश्वर भलीभांति जानते हैं। आपका मन अगर सीधा है, सच्चा है, आप अगर शुद्ध मन को रखते हैं निश्चय परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर आपकी कल्पनाओं से परे अनगिनत विधियों में आपकी सहायता को पहुंचा सकते हैं। हमारी दुआ और हमारी कामना आपके विषय में इस प्रकार से हैं, आपकी जो भी मांगे हो, जो भी कमी घटी हो, खुदावंद इस वक्त आप तक पहुँचाएँ ताकि आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना हो, परमेश्वर की महिमा करने वाले, परमेश्वर की आराधना करने में आप आगे बढ़ते रहें। हमारे इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए
सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।